हाय गाइस, दिस इज मी योर फेवरेट केआर एंड यू आर वाचिंग अशुकुमार राय यूट्यूब चैनल। तो भाई फिलहाल बज रहे हैं रात के 2:30। मैं तो उठ गया था 2 बजे। अब बस जल्दी से ब्रश वगैरह फ्रेशन अप होते हैं, नहाते हैं वगैरह वगैरह, फिर करते हैं कैब बुक, चलते हैं एयरपोर्ट, फिर वहां से चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। बाकी आप लोग बनने आ रहा अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, क्या क्या हो रहा है, वो सब कुछ आपको इस ब्लॉग में पता लग जाएगा। पहले फ्रेशन अप होते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं। ओके, ब्रश वगैरह करके थोड़ा फ्रेशन अप तो हो चुके हैं, अब बारी नहाने की। अब रात के 3 बजे नहाने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा, बट अगर बाहर जाना है तो नहाना तो पड़ेगा। भाई बिना नहाए बाहर जाना, और बाहर जाते क्योंकि जैसे वहां पे पहुंचूंगा शूट के लिए निकल जाऊंगा तो टाइम होगा नहीं, तो शूट पे बिना नहाए जाना मेरे सुलों के तो खिलाफ है। तो मैं हमेशा नहा के जाता हूँ, चाहे जैसे भी सिचुएशन हो, साफ सुथरे नहाकर फ्रेश होकर पॉजिटिव वाइब के साथ ही जाता हूँ। क्योंकि जब तक आप नहाते नहीं हो ना, तब तक अंदर आपके अंदर ना वो फ्रेशनेस या वो एक्टिवनेस नहीं आती, आप हमेशा आलस आलस में घूमते हो। और शूट पे भाई आपको वो एनर्जी, वो आलस नहीं चाहिए होता, आपको ना चाहिए होता है एकदम वो खतरनाक वाली एनर्जी चाहिए होती है। और इसलिए क्योंकि जब भी शूट होता है आपको पता है मैं थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड रहता हूँ, तो चलो आओ भाई नहा लेता हूँ भाई, मैं जाता हूँ नहाने। अब अपना देखो, अब बस व्लॉग देखो ना, आप लोग लेट लेना, कोई दिक्कत नहीं, आपकी कोई टेंशन नहीं, आराम से नहाना भाई। अगर मन हो तो नहाना, ना मन हो तो मत भी नहाना। नहा लो, अपन तो हो चुके हैं रेडी और मम्मी जी बना रही चाय। मैं तो मना करता हूँ मत उठो, मैं बना लूंगा, बट अभी उठ गई है तो वो चाय बना रही है। तब तक अपन क्या करते हैं, अपन बार बार सेट कर लेते हैं, बाकी जो अपना सामान बाहर है ना जो मैं अभी यूज कर रहा था वो बैग में डाल लेता हूँ, फिर जल्दी से कैब बुक कर निकलते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता अपन लेट हो जाए। राइड तो टाइम पे होगी, बट मैं नहीं चाहता मैं पर्सनली वहाँ जाने के लिए लेट हो जाऊँ। चलो आओ फटाफट वाला काम भी करते हैं, बाल सेट करते हैं। पहले जूते उधर पहन के बाल बना के अपन तो हो चुके हैं रेडी, अभी पीते हैं एक कप गर्म गर्म चाय और फिर करते हैं कैब बुक। अच्छा है मम्मी ने यार चाय बना दी, नींद बहुत ज़्यादा थी बिकॉज आँखें ना ऐसे बंद बंद हो रही है, नींद अभी भी बहुत है क्योंकि कल पूरा दिन मेरा ना अप डाउन में चला गया। प्लस जो भी मैं सोया ना वो ऐसा सोया कि भाई 2 बजे उठना है, उस चक्कर में वो सोए नहीं, मतलब मैं बार बार क्लॉक चेक करूँ कितना टाइम कितना है, अच्छा 15 मिनट है, अच्छा कितना टाइम 5 मिनट, अच्छा इस तरीके से मैं सोया हूँ। तो चलो कोई नहीं, अभी तो फिलहाल पीते हैं चाय, बाकी आगे बताता हूँ। बाकी से तो ठीक है, बट हमारा अद्वित अभी सो रहा है, अभी सुबह के बज रहे हैं 3:30, तो हम अभी कुछ होने देते हैं और चलते हैं। मैं अभी आपके लिए क्या लेके आऊँ, ये क्या होता है, ये क्या बोल रहे हो आप भाई। अभी फाइनली हमारी कैब आ चुकी है, तो हम लोग चलते हैं नीचे, बस मेरी मम्मी वगैरह सबको बाय कर लेते हैं, चलते नीचे। अपनी तो कैब आ गई है, दीदी मुझे छोड़ने आई थी, तो अपन बस अपना बैग उठाते हैं और चलते हैं कैब की तरफ। अब आ गए हम थोड़ा लाइट में, आप सारी वीडियो आओ जल्दी जल्दी चलते हैं, आ चुके अपनी कैब, चलो फटाफट चलते हैं। तो गाइस हम लोग एयरपोर्ट के बहुत पास हैं, मैक्सिमम 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, और उसी के साथ अंदर पता नहीं शूट करने देंगे नहीं देंगे, बट मैं जो भी होगा ना वो मैं व्यू में या बाकी सब शॉट्स ले लूंगा और आपको बता दूंगा कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, तब तक आप लोग बस बने रहना। चलो भैया करते हैं मोनू भैया को बाय। मोनू भैया आप व्लॉग में आओगे तो अपने बच्चों को दिखाना कि आप भी फेमस हो। अभी शादी नहीं हुई, जब होगी तब दिखाएंगे। चलो टेक केयर भैया। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, अभी मास्क लगाना आने वाले, तो मास्क तो मेरे को लगाना ही है। आई होप आप लोगों को साउंड सही आ रही होगी, उसी के साथ चलो करवाते हैं एंट्री और चलते हैं हमारे डेस्टिनेशन की तरफ। गाइस फाइनली हम इन सारी चेकिंग वेकिंग सब कुछ करवाने के बाद अब मैं आ चुका हूँ अंदर। और आपको एक चीज़ दिखाऊँ, पहले बोर्डिंग पास होता था ये बड़ा भाई एकदम शो ऑफ मारने मजा आता है इन सब, अब आते हैं ये भाई, इसका मैं माथे पे चुपका लूँ इसको, कोई क्या दिखाऊंगा मैं इसको यार। सब इतनी भी कॉस्ट कटिंग मत करो भाई, माना थोड़ी इनकम कम हो रही है, बट इतनी भी कॉस्ट कटिंग मत करो कि बंदे का आने का मजे खत्म हो जाए। बस फाइनली हमारे तो हो चुकी है बोर्डिंग, तो अपन तो चल रहे हैं प्लेन की तरफ और आपको दिखाता हूँ। हम तो आ चुके हैं फ्लाइट के अंदर और हमें मिल चुकी है विंडो सीट, और दिखाता हूँ फ्लाइट का सीन। तो गाइस फ्लाइट तो हो चुकी लैंड, अब हमें यहाँ से करनी है कैब बुक और जाना है आगे। तो अभी मैं कहाँ आ गया हूँ ये जिसने गैस कर लिया भाई कमेंट में बता दो कि जिसने गैस कर लिया मैं कहाँ आ गया हूँ। अगर नहीं करा तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, अभी बस मैं फ्लाइट से निकलूंगा तब मैं आप सब लोगों को बता दूंगा। यस गाइस हियर आई एम, अगर आप लोगों ने गैस किया तो अच्छी बात, अगर नहीं गैस करा तो मैं बताता हूँ भाई आई एम इन मुंबई फॉर म्यूजिक वीडियो शूट, जो कि आज है अभी है, बस अभी प्लेन से उतरे हैं और सीधा जा रहे हैं शूट की तरफ। तो आओ आपको भी मिलवाता हूँ। बाकी हाँ ये है कि शूटिंग के टाइम पे ना व्लॉग कम कर पाऊँगा, इस बार मैं ज़्यादा व्लॉग कर नहीं पाऊँगा बिकॉज यहाँ के लोग अलग है, कल्चर अलग है, और अपना दिल्ली में तो ईजी रहता है, दिल्ली पंजाब में तो कोई दिक्कत नहीं, सब लोगों को अच्छा लगता है, बट यहाँ पर कल्चर थोड़ा सा अलग है, तो थोड़ा सा अलग काम करेंगे। बट चलो आओ चलते हैं यार अपना बैग और चलते हैं, एग्जिट करते हैं और उसके बाद कैब बुक करते हैं और हमें एक दूसरी जगह जाना, वहाँ जाते हैं और फिर वहाँ से चलेंगे शूटिंग के सेट पे, जो कि अभी एक्टिव हो चुका होगा क्योंकि मैं आने में थोड़ा सा लेट हूँ, बट शूटिंग ऑलरेडी चल रही है। गाइस एक बात बहुत सही है, यहाँ का मौसम सही हो रखा है, मुझे लगा था बहुत ज़्यादा गर्मी या ह्यूमिडिटी होगी,
बट मौसम बहुत सही हो रखा है और पीछे लुक देखो है ना, मस्त बातचीत है वैसे तो यहाँ पे। तो चलो पहले करते कैब बुक, चलते हैं। सो गाइस यस, आ चुकी है हमारी कैब और हम लोग जा रहे हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ। और थोड़ा थोड़ा मुंबई मैं भी देखता हूँ, थोड़ा थोड़ा मुंबई मैं आपको भी दिखाता हूँ। बाकी जब भी टाइम मिलेगा घूमने का या फिर कुछ स्पेशल चीज़ या कुछ भी दिखाने का वो मैं आपको साथ साथ दिखा दूंगा। बट फिलहाल सबसे हमारी जो सबसे मेन प्रायोरिटी है वो है शूट। तो चलो शूट पे चलते हैं और शूट कंप्लीट करके आते हैं क्योंकि बहुत ही हैक्टिक शेड्यूल होने वाला है। और उसी के साथ ये था सीन कि व्लॉग मैं वहाँ पे ज़्यादा नहीं शूट कर पाऊँगा बट उसके अलावा मैं आपको हर चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा 110%। तो गाइस सारी सीरियस बात मैं आपको बहुत मस्त फन की बात बताता हूँ। क्या हुआ था, मैं तो बोर हो गया था फ्लाइट के अंदर, 2 घंटे बैठे बैठे नींद आ नहीं रही थी। तो मैं उठा, मैं गया कॉकपिट की तरफ, मैंने देखा जो अपने पायलट है बड़े टेंशन में, पूरी रात से फ्लाइट चला रहे हैं ये वो। मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब क्या हो गया, क्यों परेशान हो? तो कहते यार भी आपको पता नहीं है, पूरी रात से फ्लाइट चला रहे हैं ये वो, मैं थक गया, मुझसे नहीं चला जा रही। मैंने कहा भैया लाओ, अपना आपको तो पता है भाई का दिल क्या है। मैंने कहा भैया आप साइड लगाओ, मैं करता हूँ हेल्प। फिर बस साइड लगाए, दो बातें करी, मैंने चाबी ली, अपना प्लेन स्टार्ट करा, सीधा पहुंचाया। मतलब जो टाइम उनको 2-3 घंटे रास्ता पूछने देखने में लग रहा था ना, मैंने हमारे 2-4 का टक 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 और सीधा दिल्ली से मुंबई। तो ये हो गया हमारा फास्ट काम। अब इससे ज़्यादा फास्ट हमारे जो कैब ड्राइवर है वो कैब चला रहे हैं क्योंकि उन्हें हमें जल्द से जल्दी पहुँचाना है। तो इसीलिए भाई टाइम का ध्यान रखो और टाइम से जहाँ पे भी जाना है पहुँच जाओ। सबसे पहले हम आ चुके हैं अपने पहले स्टॉप पे, तो चलो यहाँ पे मिलते हैं और फिर यहाँ से शूटिंग के लिए निकलेंगे। अभी मेरे बाल एकदम खराब हो गए तो पहले बाल ठीक करते हैं। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूँ अपने सेट पे, बट सेट के अंदर की चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा सकता कि आर्टिस्ट थोड़े बड़े हैं और मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी लुक या कुछ भी अभी शेयर नहीं कर सकता। तो अभी आप थोड़ा सा पॉज लो, बाकी मैं जैसे ही हमारे शूट का कुछ भी पार्ट बचेगा ना मैं आपको पक्का दिखा दूंगा और प्लस जो आगे की कहानी है वो पूरी सुना दूंगा। मतलब आपको मज़ा आ जाएगा, आप बस बने रहना। फाइनली हमारा शूट होता है कंप्लीट, अभी बज रहे हैं सुबह के 5। तो सोचो मतलब मैं सुबह पिछली सुबह 2 बजे उठा था और अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और अभी जाके हमारा शूट खत्म हुआ है। आई नो शूट की बहुत सारी चीज़ मैं आपको नहीं दिखा पाया भाई, उसके अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं शूटिंग के, तो उसकी वजह से नहीं दिखा पाया। फिलहाल यहाँ से हम जाएंगे घर और फिर तो पता नहीं क्या, सोना ही है, मतलब डेड हो चुकी है बॉडी तो पूरी, बस वो सीन है। उसके अलावा इस व्लॉग को करते हैं एंड और मिलते हैं कल व्लॉग वाले व्लॉग में, और बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको बैठ के तसल्ली से बताऊंगा। फिलहाल इस व्लॉग को करते हैं एंड और मिलते हैं कल वाले व्लॉग में। उसी के साथ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और कर लेना चैनल सब्सक्राइब। गुड नाइट।